सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इस मोबाइल चार्जर के किट से एक इन्वर्टर का सर्किट बनाएंगे जो कि 3.7 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई लेकर के एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए गाइस, इसके सर्किट को बनाते हैं। सो गाइस, इस इन्वर्टर के सर्किट को बनाने के लिए हमें इस मोबाइल चार्जर के किट से दो कॉम्पोनेंट्स बाहर निकालने हैं। पहला, ये ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से हमें डिसोल्डर करके बाहर निकाल लेना है। और दूसरा, 100 ओम का रजिस्टर, ये देखिए ब्राउन कलर का, कलर कोड का एक रजिस्टर है, उसे भी हमें यहाँ से बाहर निकालना है। और नहीं तो आप 33 ओम से 220 ओम तक का रेजिस्टेंस के वैल्यू का रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी 220 ओम का रजिस्टर को यूज़ करके दिखाऊंगा। और नहीं तो आप 100 ओम का रजिस्टर को निकाल सकते हो इस किट से। तो देखिए, मैं यहाँ पर सेम ट्रांसफार्मर को निकाल के रखा हूँ दूसरे मोबाइल चार्जर के किट से। और हमें एक और कंपोनेंट चाहिए, ट्रांजिस्टर है या D882 का। उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक पावर सप्लाई चाहिए, 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो आइए अब हम इसके सर्किट को बनाते हैं। इसके सर्किट को बनाने के लिए ये देखिए, इस ट्रांसफार्मर को ऐसे पहले रखना है जिसमें से ये दो पिन वाला इस साइड में होगा और चार पिन वाला इस साइड में होगा। चार पिन में से ये दोनों पिन हमारा यहाँ से आउटपुट जाएगा और इन दोनों पिन में हमारा वायरिंग्स होगा। अब देखिए, ये है ट्रांजिस्टर D882 का, जिसमें से पहला वाला पिन हमारा इस ट्रांजिस्टर का इमीटर है, बीच वाला पिन हमारा इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, और जो तीसरा वाला पिन है वो इस ट्रांजिस्टर का बेस वाला पिन है। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है इसके तीसरे वाले पिन में, और जो बीच वाला पिन है हमारा कलेक्टर वाला, वो हमें यहाँ पे सोल्डर करना है कुछ इस तरह से। जैसे कि देखिए, मैं इसको पहले से ही फोल्ड करके रख रखा हूँ ताकि हमें सोल्डर करने में ज़्यादा डिले ना हो। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से पहले सोल्डर कर लेना है। बीच वाले यानी कि कलेक्टर वाले पिन को मैंने कुछ इस तरह से सोल्डर कर दिया, और ये जो तीसरा वाला पिन है, बेस वाला पिन, वो हमें इसमें कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर को ऐसे लगाने के बाद हमें 220 ओम के रजिस्टर को हमें यहाँ पे लगाना है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 220 ओम रजिस्टर के जगह पे आप 33 ओम रजिस्टर से ले करके 220 ओम रजिस्टर तक के कोई भी वैल्यू के रजिस्टर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसमें रजिस्टर को भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आउटपुट वाले को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर ये देखिए यूज़ कर रहा हूँ ये वाला 220 वोल्ट का बल्ब, LED बल्ब। तो इसके आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। ये देखिए, आउटपुट AC में आप प्लस माइनस तो होगा नहीं, AC पावर सप्लाई यहाँ से आउटपुट आएगा, तो कोई साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह आउटपुट वायर हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इसमें से इनपुट पावर सप्लाई देना है। इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए ये देखिए, 3.7 वोल्ट के बैटरी में मैं एक स्विच को लगा दिया हूँ ताकि जब मैं पावर को ऑन करूँगा तो ये बल्ब जलेगा, और जब ऑफ कर दूंगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये देखिए, माइनस वाला जो वायर है हमारा बैटरी का, 3.7 वोल्ट के बैटरी का, वो मैं ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन में सोल्डर करना है, यानी कि पहले वाले पिन में ऐसे सोल्डर करना है। और जो बैटरी का पॉजिटिव है वो हमें कनेक्ट करना है इस 220 ओम वाले रजिस्टर के इस साइड वाले पिन में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और वायरिंग्स गाइस, बस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको साइड कर लेता हूँ यहाँ से, ये काम करता है हमारा। देखिए, ये 220 वोल्ट का बल्ब है। मैं आप लोगों को AC से भी चेक करके अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ये काम कर रहा है कितना बढ़िया। ये देखिए गाइज, यह सर्किट बढ़िया काम कर रहा है हमारा। यह DC पावर सप्लाई को AC में कन्वर्ट कर दे रहा है। हालांकि उतना आउटपुट पावर नहीं दे रहा है, लेकिन काम बहुत ही बढ़िया कर रहा है। गाइज, मैं अब इस सर्किट के बारे में आपको बताता हूँ। यह सर्किट बहुत ही बढ़िया काम कर रहा होता है, करता है, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा देर तक बल्ब को यूज़ करने पर यह ट्रांजिस्टर हीट होने लगता है। रजिस्टर वगैरह तो उतना हीट नहीं होता है, लेकिन यह भी थोड़ा बहुत हीट होता है। तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा देर यूज़ करने पे। और नहीं तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हीटसिंक लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं, और ये जो आउटपुट है इस इन्वर्टर सर्किट का, वो उतना भी ज़्यादा आउटपुट नहीं देता है जितना कि मैं 6 to 8 3 एम्पलीफायर बोर्ड से बना करके दिखाया था। वो लगभग 10 से 15 वाट आउटपुट दे दे रहा था, और ये तो बहुत ही कम देता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यह
सर्किट इसके लिए बल्ब के लिए यूजलेस है, लेकिन अगर आपको कहीं भी 3.7 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से एसी पावर सप्लाई में आउटपुट में चाहिए तो आप इस सर्किट को बना करके यूज कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कहीं भी एसी पावर सप्लाई का ज़रूरत है वहाँ पे उसके लिए यह सर्किट हमारा यूजेबल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से बना करके। काम अच्छा करता है, ऐसा नहीं है कि ये फेक वीडियो है। अगर आपको देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट करके जरूर चेक कर लेना घर में। ये देखिए ये बल्ब हमारा जल रहा है कितना बढ़िया तरीके से इस इन्वर्टर सर्किट से। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ ये बल्ब एसी वाला है या फिर डीसी वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई फेक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने ये दोनों वायर खोल दिया यहाँ से, ये हमारा एसी का पावर सप्लाई इसमें से आ रहा है, और मैं इन दोनों वायर को अब मैं इसमें लगाता हूँ और ये देखिए हमारा ग्लो करेगा। देखिए देखिए कितना बढ़िया ग्लो कर रहा है। तो ये हो गया एसी पावर सप्लाई वाला, ये तो आप लोगों को पता चल गया। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।